हेलो गाइस, देखो हम लोग यहाँ पे एक सीरीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये जो है रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी से रिलेटेड, तो काफी इम्पोर्टेंट है। सीएसएआर, नेट या पीजीटी वगैरह में ये क्वेश्चन आता रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है सीरीज को तो आप इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं। तो आप देखो, ये हरियाणा के पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली आया है 2024 में, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो सीरीज दिया हुआ है, एक ए है जो 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 6 स्क्वायर, यानी इवेन टर्म्स में आगे बढ़ रहा है स्क्वायर के साथ, ठीक है? नीचे में ऑड टर्म्स हैं, 3 3 5 3 5 7 इस तरीके से। और यहाँ पे देखो, दूसरा जो सीरीज है वो 0 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इस तरीके से है। तो आपको बोलता है कि इसमें कौन कन्वर्जेंट है, कौन डाइवर्जेंट है, ये आप पता कीजिए, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है? तो अब देखिए, सीरीज कन्वर्जेंसी में मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत सारे टेस्ट हैं, रिजल्ट्स हैं, ठीक है? तो वो जो बेसिक टेस्ट रिजल्ट्स हैं, कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है, रेशियो, रूट टेस्ट, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको काफी जल्दी बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर सीरीज ए की मैं पहले बात करूँ ना, तो इसका क्या तरीका हो सकता है बनाने का। सीरीज ए की मैं बात करता हूँ तो ए में जो सीरीज है वो है आपका 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, इस तरीके से है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप देखिएगा तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी इस तरह का आपको सीरीज मिले तो आप इस सीरीज में ना 1 अगर जोड़ देंगे तो आपको ये काम करना इजी हो जाएगा। और किसी भी सीरीज में 1 के ऐड करने से उसके कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बिल्कुल 1 जोड़ सकते हैं। अब आप बोलोगे, सर 1 क्यों जोड़ रहे हैं बगैर 1? तो भाई बगैर 1 जोड़े भी बन जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम 1 नहीं जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, बट 1 से ये इजी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैंने इसमें 1 जोड़ा है। आप जैसे मैं बता रहा हूं, आप बगैर 1 जोड़े भी बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 जोड़ दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब ये, या ऐसे कह सकते हो कि ए आपका वही रहेगा, चलो हम लोग 1 प्लस ए पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो 1 प्लस ए पे बात करेंगे तो अगर ए कन्वर्जेंट होगा तो 1 प्लस ए भी कन्वर्जेंट होगा, ए डाइवर्जेंट होगा तो 1 प्लस ए भी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है? तो अगर मैं 1 प्लस ए की बात करूं, यानी ये पूरा सीरीज रहे और इसमें 1 भी आ जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है u1, वो क्या हो गया, वो 1 हो गया, ठीक है? U2 क्या है? तो अब आप देखोगे U2, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो सीरीज है ना, 1 यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, 1 प्लस ए कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी रिलेशन है वो क्या रहा है कि जो टर्म एक बार है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है कह सकते हैं, ठीक है, 1 इंटू दिस है, तो ने जो एक बार जो टर्म आ गया वही टर्म फिर आ रहा है और उसके बाद उसमें नेक्स्ट इवेंट टर्म ऐड हो रहा है ऊपर में स्क्वायर के साथ और नीचे में एक और टर्म ऐड हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। अब जो 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर सेकेंड टर्म में आ गया, फिर देखो वो थर्ड में रिपीट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट टर्म है 4, वो ऊपर में आ रहा है, नीचे में नेक्स्ट और टर्म आ रहा है, फिर ये जो पूरा आपका थर्ड टर्म कंप्लीट हो गया तो ये पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, जो नेक्स्ट इवेंट टर्म है 4 के बाद 6 वो आ रहा है मल्टीपल में, और यहाँ पे 5 के बाद 7 आ रहा है। यानी हो ये रहा ना कि अगर मैं बात करूं तो un+1 जो भी नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, वो अपने पहले वाले टर्म से इस तरीके से रिलेट कर रहा है कि un+1 = un है इंटू ऊपर में इवेन टर्म आ रहा है नेक्स्ट और नीचे में ऑड आ रहा है, ठीक है, और दोनों स्क्वायर के साथ आ रहे हैं तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये रिलेशन है ना, जो रिकरेंस रिलेशन है टर्म्स में वो यही है, अगर आप देख सकते हो तो। अब यहां से आप आसानी से देख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे करोगे पुट तो आपका काम हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग बात करें, जैसे आपको सेकेंड टर्म चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे u1 मेरा 1 है, अगर मैं सेकेंड टर्म चाहता हूं तो इनको मैं 1 रखूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, u2 सेकेंड टर्म, यहाँ पे आ जाएगा un into 2 का स्क्वायर बाई नीचे में 3 का स्क्वायर, u1 आपका 1 है, ठीक है, तो आपका u2 ये आ गया जो कि आपको दिख रहा है सेकेंड टर्म है। इसी तरीके से आप थर्ड टर्म देख सकते हैं। तो अब आपको देखना क्या है, u1 तो मेरा 1 है, ठीक है, u2 जो है उसको आप देखिए, ये एक्चुअली है 4 बाई 9, इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि 4 बाई 9 इज ग्रेटर देन 3 बाई 9, डेफिनेटली, ठीक है, मैंने बस ऊपर का जो टर्म है वो चेंज किया है न्यूमिरेटर का, तो अगर 3 लेंगे तो 3 बाई 9 से ये ग्रेटर होगा, एक्चुअली 3 बाई 9 क्या है, 1 बाई 3 है, तो मैं कह सकता हूं कि जो u2 है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 बाई 3 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इनका वैल्यू 2 रखता हूं ना यहाँ पे रिकरेंस में, ये आपको u3 देगा, तो u3 क्या आएगा, तो u3 आपका आ जाएगा ये u2, ठीक है, और यहाँ पे 2 डालोगे तो 4 का स्क्वायर और नीचे में आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो u2
तो यू टू मेरा 1/3 से ग्रेटर है, तो मैं जहां यू टू का वैल्यू, मैं इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर सकता हूं क्या, ग्रेटर देन 1/3, यू टू का वैल्यू 1/3 से ग्रेटर हो गया, इंटू 4² / 5² यानी 16/25। अब यहां पे भी अगर आप देखो ना, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 16 के प्लेस पे मैं ले लेता हूं 15, 15 ठीक है, और नीचे में ले लेता हूं 25। ओके, तो अगेन ये क्या होगा, ये ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि मैंने 16 को हटा के 15 लिया है। तो आप देखोगे 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, 1/5 आ रहा है, यानी जो U3 है मेरा, U3 क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 1/5 आ गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो सीरीज है वो कैसे फॉलो कर रहा है। तो ये सीरीज इस तरीके से जा रहा है कि जो भी सीरीज था मेरा वो ये 1+a, ठीक है, 1+a मेरा क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है दिस इज ग्रेटर देन 1+1/3+1/5, ठीक है, ये हो जा रहा है। तो ये सिंपली क्या है, ये आप देखोगे तो ये जो है मेरा ये समेशन ऑफ ये जो है ऑड टर्म्स का सम है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो मेरा 1+a है वो एक्चुअली क्या है, यहां पे मैं देखो बता देता हूं आपको, यहां पे क्या हो जाएगा, 1+a इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है, ये सम है 1/2n-1 का, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी, 2n-1 का, सिंपली 1+a क्या है मेरा, सम है 2n-1 का, राइट, ये इस तरीके से, क्योंकि आप देखोगे कई सारे इसमें ऑड ही टर्म आ रहे हैं, तो ऑड टर्म आप यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाओगे, 1 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सम ऑफ ऑड टर्म है 1/2n-1, राइट। अब देखिए ये जो 1+a है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये डेफिनेटली क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा 1/2n, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि 2n-1 से डेफिनेटली 2n क्या होगा, जो है बड़ा वैल्यू होगा, तो अगर मैं उससे भी बड़ा वैल्यू ले लेता हूं तब तो अगेन ये ग्रेटर होगा। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1/n इज ग्रेटर देन 1/2 को बाहर कर देते हैं 1/σn। ठीक है, अब देखिए 1/σn आपको पता है, पी टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि 1/σnp ये क्या होता है, ये आपका कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, कन्वर्जेंट, कब जी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो एंड इज डाइवर्जेंट, और ये आपका डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट कब, जब पी मेरा लेस देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, तो ये पी टेस्ट है जिसको आप काफी अच्छे से जानते हैं। तो अब यहां पे देखो पी लेस देन इक्वल टू 1 पे ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो इन टू द पावर पी, तो यहां पे जो n का पावर है वो 1 है, यानी पी जो है यहां पे इक्वल टू 1 है, और अगर पी इक्वल टू 1 है तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट ये क्या हो गया, ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, अब बाई यूजिंग कॉम्पेरिजन टेस्ट, अगर कोई डाइवर्जेंट से बड़ा है तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो ये जो 1+a है ये पूरा डाइवर्जेंट हो गया, तो आपका a भी क्या होगा जी, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो नो डाउट a हमारा क्या है, यहाँ पे डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, b को देख लेते हैं कि b हमारा कैसा सीरीज है, तो b को पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, b देखो ये हम लोग का b है 0-1/2। ठीक है, चलो यहीं पे काम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों को करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमको लगता है कि जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। थोड़ा सा आप भी अच्छे से देखो, अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है तो बी को कम से कम ट्राई किए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बी को देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बी को देखो तो बी जो मेरा सीरीज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0-1/2+1/2 का स्क्वायर, राइट, -1/3+2/3 का स्क्वायर, -1/4+3/4 का स्क्वायर, -1। तो देखो यहां पे मैं इसको ऐसे करता हूं, जीरो तो हटाइए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, 1/2 -1/2 का स्क्वायर, इसको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस को कॉमन लीजिए, 1/3 -2/3 का स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, -1/4 -3/4 का स्क्वायर को एक साथ। तो अब देखो ये जो हो रहा है ना, ये 1/2 -1/2 का स्क्वायर, एलसीएम अगर लेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, तो ऊपर में आ जाएगा 2-1/2 स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन एलसीएम आपका 3² आएगा, तो ऊपर में 3-2 होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में 4-3 आ जाएगा, नीचे में 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली जो यहाँ पे आ रहा है वो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सिंपली आपका आ रहा है ऊपर में -1/2 का स्क्वायर, ये -1/3 का स्क्वायर, ये -1/4 का स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस को अगर कॉमन ले लोगे तो ये एक्चुअली 1+2 का स्क्वायर, 1+3 का स्क्वायर, 1+4 का स्क्वायर, इस तरीके का है। ठीक है ना, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें अगर आप फौरन से 1 ऐड करके देखेंगे तो आपका काम काफी जल्दी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे भी 1+b की बात कर लूँ ना,
वन प्लस बी पी, ठीक है, वन ऐड कर देता हूँ, माइनस वन ऐड करता हूँ चूंकि इधर माइनस में है, तो ये आपका माइनस में इस तरीके से आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली क्या है, तो ये है सिग्मा वन बाई एन का पावर टू, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी का वैल्यू है वो क्या है, वो टू है सिंपली, और पी का वैल्यू अगर टू है यानी वन से अगर ग्रेटर है तो वो क्या होता है, वो आपका कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। ये आपका सीरीज क्या कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट हो तो आपका बी भी कन्वर्जेंट हो गया। तो ये काफी जल्दी बन गया और सिंपल सा था, तो बस थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना था यहाँ पे इसको, ठीक है, एक सेटअप करना था, ऐसे टर्म्स को आपस में क्लिक करना था जिससे कि आपका ये इजी हो जाए। तो दिख भी रहा था कि जो टू टू स्क्वायर वाले हैं, थ्री थ्री स्क्वायर वाले हैं, इसको हम लोग ने एक साथ किया तो काफी जल्दी हमारा ये सिंपल सा सीरीज आ गया जो कि कन्वर्जेंट सीरीज है। तो नो डाउट ये काफी एक आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने किया होगा। तो ए यहां पे डाइवर्जेंट है, बी कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बनाना है, और ऐसा नहीं कि वन, देखो वन अक्सर वन ऐड करने से काफी सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने वन ऐड किया। वन नहीं भी ऐड करेंगे फिर भी हम लोग सीरीज को कंपेयर कर सकते हैं, टेस्ट रेशियो टेस्ट से चेक कर सकते हैं, वो आपको वही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने भी ऐसा किया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह का सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी वाला क्वेश्चन आता था, ये तो बिल्कुल बेसिक था जिसमें बहुत सारे टेस्ट का यूज नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस में टेस्ट का भी यूज होता है जिसमें मेनली कुछ फंक्शंस भी रहते हैं, बट ये तो सिंपली कॉन्स्टेंट्स का सीरीज था, तो ये आपके लिए काफी ईजी रहा, ठीक है। डेफिनेटली आपने भी इसी तरीके से किया होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।